वेलकम बैक टू मालविया कैड सॉल्यूशन। आज हम सिक्स्थ पार्ट क्रिएट करने वाले हैं कीवे वाइस का, जो एक बेस क्लैंप है। इसको आप अपने अकॉर्डिंग वाइस को कहीं भी किसी भी मशीन पे, टेबल पे या बेंच पे फिट कर सकते हैं या क्लैंप कर सकते हैं। और इस तरह से फिट करने के बाद आप अपना मैकेनिकल कोई भी किसी भी तरह का काम कर सकते हैं, जैसे स्लॉट है, कीवे है या और भी किसी तरह का मैकेनिकल वर्क इसके ऊपर कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियो पूरा देखिए, तभी आपको इसके बारे में कुछ नॉलेज मिलेगा कि किस तरह से ये डिज़ाइन की जाती है, किसी भी पार्ट को कैसे किस तरह से क्रिएट किया जाता है, टूल्स कैसे सारे यूज़ किए जाते हैं। तो चलिए पार्ट क्रिएट करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम राइट प्लेन सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे एक सेंटर सर्कल क्रिएट करना है। इसका डायमेंशन हमें दे देना है 125। सिंपली फीचर में जाके एक्सट्रूड बॉस बेस अप्लाई करना है। इसकी थिकनेस रहेगी 18 mm। ब्लाइंड कंडीशन ओके। इस फेस को सिलेक्ट करना है, फिर से एक सेंटर सर्कल क्रिएट करेंगे हम और इसका डायमीटर रहेगा 80 mm। फिर से फीचर में जाके एक्सट्रूड बॉस बेस 8 mm इसकी थिकनेस रहेगी। बैक फेस को सिलेक्ट करना है स्केच और यहाँ पे हमें कॉर्नर रेक्टेंगल क्रिएट करना है इस तरह से। एक सेंट्रल लाइन भी हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे। इसकी लेंथ रहेगी 100 mm और यहाँ से इसका डिस्टेंस रहेगा 50 mm। हाइट 30 mm। सिंपली इस पॉइंट को सिलेक्ट करना है होल्ड कंट्रोल की और इस पॉइंट को सिलेक्ट करना है मेक रिलेशन वर्टिकल। मिरर इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट करना है। देखिए ये सारी लाइनें यहाँ पे सिलेक्ट हो गई है और फिर यहाँ पे मिरर अबाउट इस लाइन को सिलेक्ट करना है और ओके करना है। तो हमारे दोनों रेक्टेंगल क्रिएट हो चुके हैं। अब सिंपली फीचर में जाना है और एक्सट्रूड कट अप्लाई करना है। देखिए इस तरह से दोनों साइड में कट लग चुके हैं। इस फेस को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे एक सर्कल क्रिएट करना है। इसका डायमीटर रहेगा 100 mm। ये कंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए हमने क्रिएट किया है और क्लोज कर देना है। फेस को सिलेक्ट करना है, होल विजार्ड में जाना है, होल सिलेक्ट करना है। यहाँ पे देखिए ये होल का सिंबल है, इसको सिलेक्ट करना है। अनसीमेट्रिक को सिलेक्ट करना है। इसमें ड्रिल साइज हमें 10.5 लेना है एंड यहाँ पे अप टू नेक्स्ट पोजीशन में जाना है। फिर यहाँ पे जो पॉइंट होगा वहाँ पे इसको रखना है या वहाँ पर उस पॉइंट को सिलेक्ट करना है और ओके कर देना है।
स्केच को हाइड कर दीजिए। बैक फेस को फिर से सिलेक्ट करना है स्केच, और यहाँ पे एक सेंटर लाइन हम क्रिएट करेंगे। देखिए इस तरह से हमने एक स्केच क्रिएट किया है। यहाँ पे इसके डायमेंशन हम दे देंगे, बॉटम लाइन की लेंथ रहेगी 95 mm, इसकी हाइट रहेगी 10 mm, टॉप लाइन की लेंथ रहेगी 50 mm, इस पॉइंट से इस पॉइंट की लेंथ रहेगी 75 mm। और इस फेस से इसकी हाइट रहेगी 26 mm। सेम डायमेंशन यहां भी अप्लाई करना है 26 mm। इस लाइन को सिलेक्ट करना है होल्ड कंट्रोल की एंड मेक रिलेशन इक्वल। लाइन को सिलेक्ट करना है होल्ड कंट्रोल की इस लाइन को सिलेक्ट करना है होल्ड कंट्रोल की एंड दिस लाइन, तीनों लाइन को सिलेक्ट करना है मेक रिलेशन सिमेट्रिक। फिर से इस लाइन को सिलेक्ट करना है, इस लाइन को सिलेक्ट करना है और इस लाइन को सिलेक्ट करना है मेक रिलेशन सिमेट्रिक। ओके, तो हमारा स्केच फुल्ली डिफाइन हो गया है। सिंपली फीचर में जाना है, एक्सट्रूड बॉस बेस यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ब्लाइंड कंडीशन, इसकी लेंथ रहेगी 150 mm। इस फेस को सिलेक्ट करना है स्केच, कन्वर्ट एंटिटी, ऑफसेट, इस लाइन को सिलेक्ट करेंगे तो ये पूरा चेन में आ जाएगा। तो चेन यहां पे ही देखिए सिलेक्ट चेन लिखा है, इसको टिक मार्क इसका हटा दीजिए, तो जो लाइन हमें ऑफसेट करनी है वही लाइन दिखेगी। इसको रिवर्स में करना है और यहाँ पे डायमेंशन इसका रहेगा 8 mm। फिर दूसरी लाइन एक ये लेनी है, दूसरी ये लेनी है और ओके करना है। हम इसके डायमेंशन दे देंगे अब 8 mm को डिलीट कर देना है। फिर यहाँ पे डायमेंशन अप्लाई करेंगे हम 35 mm, और यहाँ से ये हाइट रहेगी
ओके इस लाइन को यहाँ से एक्सटेंड कर देंगे इस तरह से, इसके साथ मिला लेंगे, फिर यहाँ से इसकी लेंथ रहेगी 62 mm। इस पॉइंट को सिलेक्ट करना है इस लाइन के साथ कोइंसिडेंट रिलेशन, ओके। यहाँ पे ट्रिम एंटिटी हम अप्लाई करेंगे, पावर ट्रिम। यहाँ पे जो अननेसेसरी हमें जो लाइन नहीं चाहिए, अनवांटेड लाइन डिलीट कर देंगे इस तरह से। सेंटर लाइन फिर से क्रिएट करनी है एक इस लाइन को सिलेक्ट करना है, इस लाइन को सिलेक्ट करना है और सेंटर लाइन को सिलेक्ट करने के बाद मेक रिलेशन इक्वल। यहाँ से इसकी हाइट रहेगी 8 mm। फुली डिफाइंड स्केच कैलकुलेट ओके। फीचर में जाना है, एक्सट्रूड कट अप्लाई करना है। यहाँ पे देखिए इस तरह से कट लगाना है हमें, तो सबसे पहले हमें ऑफसेट करना पड़ेगा इस, क्योंकि यहाँ से ये पूरा इस फेस से कट नहीं लगाना है हमें, तो इसके लिए ऑफसेट रखेंगे। ऑफसेट कितना रखना है हमें 15 mm और बैक साइड ब्लाइंड कंडीशन ओके। इसकी लेंथ रहेगी 120 mm और ओके करना है। देखिए इस तरह से अंदर की साइड में कट लग गया है। ऊपर वाली फेस को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे हम एक स्लॉट क्रिएट करेंगे, सिंपली सेंटर स्लॉट यहाँ पे क्रिएट करेंगे हम। इसके डायमेंशन अप्लाई करते हैं हम, इसकी लेंथ रहेगी 90 mm और इसकी विड्थ रहेगी 25 mm। एक सेंटर लाइन हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे और इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देंगे और सिंपली इस लाइन को सिलेक्ट करने के बाद वर्टिकल। हमारा स्केच फुली डिफाइन हो गया है। फीचर में जाके एक्सट्रूड कट अप्लाई करना है अप टू नेक्स्ट ओके। देखिए इस तरह से हमारे सारे कट्स और एक्सट्रूड कट और जो भी यहाँ पे जो हमने बॉडी क्रिएट की थी सॉलिड वो सब क्रिएट हो गई है। तब हम यहाँ पे फिलेट अप्लाई करेंगे। तो फिलेट यहाँ पे अप्लाई करनी है हमें 5 mm। इस लाइन को सिलेक्ट करना है, इस तरह से
देखिए इस तरह से हमारे फिलेट अप्लाई हो गई है। इसी तरह से अंदर की साइड में भी हम फिलेट अप्लाई करेंगे। इसकी साइज रहेगी 10 mm। ये चारों कॉर्नर है, यहाँ पे 10 mm की फिलेट अप्लाई करनी है हमें। अब चैम्फर, हमें चैम्फर अप्लाई करनी है, तो चैम्फर में हमें 3 mm यहाँ पे लेंगे। ये बाहर वाली फेस को सिलेक्ट करने हैं सारे एजेस। फिर से चैम्फर यहाँ पे अप्लाई करेंगे, यहाँ इस बार यहाँ पे 1 mm चैम्फर हम अप्लाई करेंगे। इन सारी एजेस को सिलेक्ट करना है हमें और ओके करना है। तो देखिए इस तरह से हमारा ये वाला पार्ट भी क्रिएट हो गया है। तब हमें क्या करना है, अपीयरेंस में जाना है। अपीयरेंस में जाने के बाद फिर से वही मेटल मेटल में जाने के बाद आयरन में जाना है और यहाँ पे कास्ट आयरन अप्लाई करना है। इसका कलर चेंज कर देते हैं हम, इसको रेड कलर हम अप्लाई करेंगे। इसका सिंपली इस फेस को सिलेक्ट करना है और इस फेस को सिलेक्ट करना है। तो इस तरह से हमारा ये 6 पार्ट भी क्रिएट हो गया है और इसे भी सेव कर लेते हैं हम। ये हमारा पार्ट 6 है। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही प्रोजेक्ट आपको रोज मिलते रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।